नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 जनवरी 2019। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे राजनीति से संबंधित है, नहीं इम्पोर्टेंट, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल इन्फ्लुएंजा के बारे में है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। बीच में ये आर्टिकल रैट होल माइनिंग के बारे में है। दो तीन आर्टिकल हम रैट होल माइनिंग से संबंधित डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल फिर से राजनीति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर साइंटिफिक टेंपर से संबंधित आर्टिकल है। साइंटिफिक टेंपर से संबंधित हमने दो तीन आर्टिकल डिस्कस किए हैं, इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे। और नीचे ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल रैट होल माइनिंग के बारे में है। आप GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट आपको पता है, मेघालय में ईस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर रैट होल माइनिंग में लगे हुए थे कुछ लोग, और एकदम से माइन के अंदर पानी आ गया, जिसकी वजह से 15 माइनर्स वहाँ पे फंस गए थे। आर्टिकल में कहा जाता है, प्रशासन का रवैया बहुत ही ढीला ढाला रहा उन 15 माइनर्स को बचाने में, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। पहले दिन से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मान लिया था कि शायद उन 15 माइनर्स की अब डेथ हो चुकी है। ये जाहिर होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो पत्र लिखा गया था नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को। वैसे देखो, एनजीटी ने, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में बैन लगाया था माइनिंग पर, लेकिन फिर भी इस प्रकार की माइनिंग जिसमें 2 फीट का होल किया जाता है और उसमें भेजा जाता है खास करके गरीब लोगों को, क्योंकि देखो जिसके पास पैसा नहीं होता, जो गरीब से गरीब होता है वही तैयार होता है इस प्रकार का काम करने के लिए। हम बात कर रहे थे कैसे प्रशासन का रवैया बहुत ही ज़्यादा ढीला ढाला रहा ट्रैप्ड 15 माइनर्स की जान बचाने के लिए। जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक वकील आदित्य एन प्रसाद ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर की सहायता से, तब जाके ये मामला नेशनल लाइमलाइट में आया और सरकार भी चेती। इससे पहले देखो सरकार ने सफिशिएंट एक्शन नहीं लिया था माइनर्स की जान बचाने के लिए। अगर सरकार सफिशिएंट एक्शन लेती तो सबसे पहले सरकार ये पता लगाने की कोशिश करती कि माइन में पानी आया कहाँ से है, ताकि उस पानी के बहाव को रोका जा सके, कम से कम और पानी उस माइन के अंदर ना आए। और इसके लिए आवश्यकता होती है एक्सपर्ट की, यानी हाइड्रोलॉजिस्ट की। बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 2 हफ्तों बाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की के साइंटिस्ट सुधीर कुमार को बुलाया गया, और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद ही इंडियन नेवी को बुलाया गया। उनको कहा गया कि आप बड़े पंप्स लेकर आइए। उसी प्रकार से हैदराबाद से जियोलॉजिस्ट को बुलाया गया ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद। इतना टाइम इन सब चीज़ों में देखो इसलिए लगा क्योंकि कोई एक सिंगल पर्सन या फिर सिंगल एजेंसी नहीं थी इस पूरे रेस्क्यू मिशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए। देखो, भगवान ना करे कल को नॉर्थ ईस्ट में कोई भूकंप आ जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो सीस्मिक जोन 5 में आता है, तो क्या उस सिचुएशन से निपटने के लिए हम तैयार हैं? शायद नहीं। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात पर, और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने चाहिए। अब बात करते हैं देखो रैट होल माइनिंग की। सबसे पहला पॉइंट तो रैट होल माइनिंग से संबंधित ये है, स्टेट को पता है बड़े स्केल पे रैट होल माइनिंग होती है, ह्यूमन लाइफ की कोई कदर नहीं होती इस रैट होल माइनिंग में, सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, फिर भी स्टेट्स पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं रैट होल माइनिंग पर लगाम लगाने में। दूसरा पॉइंट, मेघालय को नेशनल माइनिंग लॉ से एग्जम्प्ट किया गया है। देखो, रैट होल माइनिंग स्टार्ट हुई थी 1980s में, और जब से स्टार्ट हुई है रैट होल माइनिंग वहां पर 3 नदियां जयंतिया हिल्स में, नदियों के नाम हैं म्यूनटुडू, लूनर और लूखा, इन 3 नदियों में रैट होल माइनिंग की वजह से बहुत ज्यादा जहर फैल गया है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है इन 3 रिवर्स का जो एसिडिक लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पानी का पीएच, सल्फेट और आयरन कंसेंट्रेशन, ये सब बहुत ही एबनॉर्मल लेवल पर पहुंच गए हैं। इवन देखो, इलीगल रैट होल माइनिंग साइट्स के जो ओनर्स होते हैं
वो बेस्ट से बेस्ट वकील हायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, विभिन्न हाई कोर्ट्स में अपने केस जीतने के लिए। वो कहते हैं रैट होल माइनिंग से बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, रीजन की इकोनॉमी बूस्ट होती है, ये सब तर्क दिए जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते किस कोस्ट पे ऐसा होता है, क्या कीमत चुकानी पड़ती है उन लोगों को जो जिन्हें रैट होल माइनिंग से रोजगार हासिल होता है। इवन देखो मेघालय की जो ट्राइब्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं रैट होल माइनिंग के इशू पर। कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए रैट होल माइनिंग पर पूरी तरह से बैन चाहती हैं। वो ट्राइब्स चाहती हैं कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना जरूरी है, लेकिन कुछ एलीट लोग ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट को हरास करते हैं और बहुत सारे इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट की हत्या भी हुई है इस रीजन में। तो फोल्ट लाइंस जो हैं विभिन्न ट्राइब्स के बीच वो देखने को मिलती हैं इस रैट होल माइनिंग इशू की वजह से। रैट होल माइनिंग कितने बड़े स्केल पे होती है इसका अंदाज़ा देखो इस बात से ही लगाया जा सकता है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट का एरिया और इतने एरिया में 4000 के आसपास रैट होल माइनिंग से संबंधित साइट्स। ये जो आंकड़ा है वो मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट का है। सोच के देखिए, टोटल एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास और 4000 रैट होल माइनिंग से संबंधित साइट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रैट होल माइनर ये कहते हैं मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो सिक्स शेड्यूल के अंदर आता है, इसी वजह से नेशनल माइनिंग लॉज को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल में कहा जाता है कि भैया सिक्स शेड्यूल जो आया था वो ट्राइबल लोगों के कम्युनिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, वो इसलिए नहीं आया था कि कुछ एलीट लोग सिक्स शेड्यूल के अंदर आने वाले स्टेट्स में जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोइट करने लगे। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, एक सीमेंट जायंट है, सीमेंट कंपनी है बड़ी लफार्ज, ये क्या क्या करती थी मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन की माइनिंग करके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था बांग्लादेश में। सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपनी पर बहुत ज़्यादा फाइन लगाया और आदेश दिया कि आप लोकल लोगों को रोजगार दीजिए, लेकिन देखो पिछले कुछ सालों से बहुत से लोग रैट होल माइनिंग कर रहे हैं और अंधाधुंध कर रहे हैं, बड़े स्केल पर कर रहे हैं। उनको ना तो कुछ फाइन देना पड़ता, ना ही लोकल एरिया के लिए कुछ करना पड़ता, ना ही कोई टैक्स देना पड़ता, बस वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की जान पर खेलकर जिन्हें इस रैट होल माइनिंग के काम में धकेल दिया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रैट होल माइनिंग से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल इन्फ्लुएंजा के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, ये एक कंटेजियस रिस्पायरेटरी इलनेस है, मतलब एक ऐसी सांस लेने की बीमारी है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है ये बीमारी। और काफ़ी सारे सब टाइप्स भी हैं इन्फ्लुएंजा के, जैसे H3N2, H3N8, H1N1, H1N1 तो स्वाइन फ्लू है, उसके बाद H5N1 बर्ड फ्लू, और H3N8 है कैनाइन फ्लू। तो ये सारे सब टाइप्स हैं इन्फ्लुएंजा के। अभी हम बात करेंगे H1N1 की। हमारे देश में सबसे पहले H1N1 की महामारी फैली थी 2009 में, उसके बाद तो ये एनुअल ओकरेंस यानी हर साल बहुत सारे केसेस सामने आते हैं H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के। 2015 में 2990 यानी 3000 के आसपास केसेस सामने आए स्वाइन फ्लू के 2015 में, जबकि 2016 में ये आंकड़ा कम हो गया, सिर्फ 265 केसेस सामने आए। 2017 में 1873 केसेस सामने आ चुके हैं। और 2019 की हम बात करें, शुरुआत के दो हफ्तों में ही ये वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला है। अकेले राजस्थान में 13 जनवरी तक 768 केसेस सामने आए हैं इन्फ्लुएंजा के, और इनमें से 31 लोगों की डेथ भी हो गई है 13 जनवरी तक राजस्थान में इन्फ्लुएंजा की वजह से। आर्टिकल कहता है 2016 में जो आंकड़ा सामने आया था 265, ये भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ठीक ढंग से सर्विलियंस नहीं की, सही ढंग से ट्रैकिंग नहीं की। अदरवाइज इन्फ्लुएंजा से संबंधित बहुत सारे केसेस हर साल सामने आते हैं हमारे देश में। कहना क्या है आर्टिकल का, आर्टिकल का कहना यह है इन्फ्लुएंजा का जो दूसरा सब टाइप है H3N2 जो है इसको गवर्नमेंट ठीक से ट्रैक नहीं करती, इसलिए 2016 में H3N2 के बहुत सारे केसेस सामने आए थे, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने कंसिडर नहीं किया, इसलिए जो फाइनल आंकड़ा है गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंजा से
संबंधित केसेस का, वो है सिर्फ 265। अगर गवर्नमेंट जो इन्फ्लुएंजा का दूसरा सब टाइप है H3N2 इसको भी कंसिडर करें तो उस केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आगे सर्वे के माध्यम से इस आर्ग्यूमेंट को और ज़्यादा सब्सटेंशिएट किया जाता है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने 10 राज्यों में एक सर्वे कंडक्ट करवाया, उसमें पाया गया कि ग्रामीण इलाकों में जितने बुखार के केसेस सामने आते हैं उन केसेस में से 20% जो केसेस होते हैं वो इन्फ्लुएंजा से संबंधित होते हैं। इवन कुछ लोग तो इलाज भी नहीं करवाते, वो उनको ये लगता है ये बुखार रहस्यमयी बुखार है, तो इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। कहने का एसेंस क्या है? एसेंस ये है केसेस ज़्यादा हैं इन्फ्लुएंजा से संबंधित, लेकिन गवर्नमेंट का सर्विलेंस सिस्टम सही नहीं है तो इसलिए वो उन केसेस को ट्रैक नहीं किया जा सकता। बीमारी गंभीर है लेकिन गवर्नमेंट उस स्तर पे, उस लेवल पे ध्यान नहीं दे रही है। आगे किस प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है, एक और पॉइंट दिया जाता है आर्टिकल के द्वारा। देखो ये वायरस किस प्रकार से फैलता है, वायरस को फैलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वायरस क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के ऊपर अपना प्रोटीन छोड़ देता है, तो सेल्स की रिप्रोडक्शन जिस प्रकार से होती है साथ साथ वायरस की रिप्रोडक्शन भी हो जाती है। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात हमारा जो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वायरस की जो रिप्रोडक्शन है वो रुक जाती है। लेकिन वायरस उसके बाद में कई बार चलाकी खेल जाता है, अपने अंदर चेंजेस ले आता है, अपने जेनेटिक सीक्वेंस को चेंज कर देता है, म्यूटेशन हो जाती है वायरस की, ताकि बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को डिफीट किया जा सके। अब एक कन्वेंशन है, एक पूरा ग्लोब का यानी पूरे वर्ल्ड का एक डेटाबेस है जहाँ पे इन वायरसेस के जो जेनेटिक सीक्वेंस हैं वो जमा है। रिसर्चर्स उस डेटाबेस को यूज करते हैं ताकि वैक्सीनेशन उसी प्रकार से डेवलप की जा सके। विभिन्न कंट्रीज जहाँ पे ये वायरसेस होते हैं वो वायरसेस के जेनेटिक सीक्वेंस को भेजते हैं ग्लोबल ओपन एक्सेस डेटाबेस के पास में, जहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया रिसर्चर्स यूज कर सकें वैक्सीनेशन डेवलप करने के लिए। लेकिन इंडिया अपने साइज के हिसाब से, अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, अपने ज्योग्राफी के हिसाब से इनफ सैंपल्स नहीं भेज रहा है ग्लोबल ओपन एक्सेस डेटाबेसिस के पास में। तो कहने का तात्पर्य यही है, इंडिया सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। ऐसा देखो इसलिए भी कहा जाता है, जिस वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा होता है हमें उस वायरस के एक्टिव नेचर के बारे में पता है, हमें उस वायरस के एक्टिव नेचर के बारे में समझ है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा होता है, और हमें यह भी पता है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन्स की सहायता से इन्फ्लुएंजा के केसेस को कम किया जा सकता है। अगर ये वैक्सीन्स हर जगह अवेलेबल हो तो इन्फ्लुएंजा की आउटब्रेक को रोका जा सकता है। फिर भी अगर हम इन्फ्लुएंजा के केसेस को नहीं कम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। क्या करना चाहिए? देखो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ वर्कर्स, या फिर वो लोग जो किसी प्रकार के हार्ट, लीवर, किडनी या फिर लंग डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, या फिर डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, या फिर एल्डर सिटीजन्स, इन सभी ग्रुप्स पर स्पेशल फोकस करने की आवश्यकता है। खास करके कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, NCR रीजन, इन राज्यों में इन्फ्लुएंजा के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। तो इन सब राज्यों में इन सभी ग्रुप्स पर अगर स्पेशल फोकस किया जाता है, इन सभी वल्नरेबल ग्रुप्स की वैक्सीनेशन होती है तो इन्फ्लुएंजा के केसेस बहुत कम सामने आएंगे। और फ्यूचर में सरकार का प्लान ये होना चाहिए ना सिर्फ इन स्टेट्स में बल्कि सभी स्टेट्स में सभी वर्ग के लोगों पर सरकार फोकस करे ताकि इन्फ्लुएंजा के कम से कम केसेस सामने आए। यानी फ्यूचर में सरकार का प्लान यूनिवर्सल प्रिवेंटिव प्रोग्राम का होना चाहिए। इसके अलावा देखो सरकार सीरियस नहीं है, ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पिछले साल यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि कौन से वायरस के लिए कौन सी वैक्सीन लेना जरूरी है। लेकिन सरकार ने एडवाइजरी तो जारी कर दी, पब्लिक हॉस्पिटल्स में वो वैक्सीन्स अवेलेबल ही नहीं हैं। सोच के देखो, सरकार ने बता दिया कि आप इस वायरस के लिए ये दवाई ले लो, लेकिन दवाई तो उपलब्ध करवाओ ना पब्लिक हॉस्पिटल्स में, तो सफिशियंट डोज अवेलेबल है नहीं वैक्सीन्स की, तो कोई फायदा हुआ नहीं एडवाइजरी जारी करने का। आर्टिकल में कहा जाता है सरकार पब्लिक हेल्थ सिस्टम में ये सारी वैक्सीन्स अवेलेबल करवाएं, और ये आसानी से सरकार के द्वारा किया भी जा सकता है। अभी जो स्कीम हाल ही में लॉन्च की गई है आयुष्मान भारत स्कीम, उस स्कीम के अंतर्गत ये सारी दवाइयाँ, ये सारी वैक्सीन्स पब्लिक हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आर्टिकल में ये कहा जाता है लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, कैसे रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे इन्फ्लुएंजा का जो ट्रांसमिशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है उस ट्रांसमिशन को कम कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी ऑलरेडी जो वैक्सीन्स हैं
उनको भी देखो अपग्रेड करने की आवश्यकता है, क्योंकि वायरस जो है वो डेटरेंस क्रिएट करता है, उसी प्रकार से उसी हिसाब से वैक्सीन्स अगर अपडेट होंगी तभी इन वायरसेस से पीड़ित जो लोग हैं उनका इलाज संभव हो सकेगा। वे फोर्ड में भी सेम बात रिपीट की जाती है, वैक्सीनेशन एकमात्र सहारा है ताकि इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं इन्फ्लुएंजा से संबंधित उन केसेस को कम किया जा सके, लेकिन जो हाईली रिस्क ग्रुप्स हैं जैसे प्रेग्नेंट वुमन है या फिर डायबिटीज से जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनकी तरफ भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लुएंजा कोई गंभीर बीमारी नहीं है, गवर्नमेंट को लगता है जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे टीबी वहां पे ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन अगर सर्विलियंस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए तो केसेस जितने अभी सामने आ रहे हैं 3000 के आसपास उससे भी ज्यादा केसेस सामने आएंगे और ये गंभीर बीमारी है इन्फ्लुएंजा और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एथिक्स का है, इलाबरेट ऑन द बैंथम आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट। यूटिलिटेरियनिज्म के कंसेप्ट को हमने काफी ज्यादा डिटेल से समझा था, बताइए क्या है बैंथम आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। पहले देखो आप बैंथम का आइडिया क्या है यूटिलिटेरियनिज्म का, उसे एक्सप्लेन करोगे। कंसेप्ट है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर्स या फिर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स। यह हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा ट्रॉली वाले एग्जाम्पल से, कि एक ट्रेन जा रही है और यहाँ पे ट्रेन डाइवर्ट होती है, एक साइड यहाँ पे एक पर्सन मरेगा, ट्रैक के ऊपर एक पर्सन लेटा हुआ है और इस साइड 5 पर्सन लेटे हुए हैं, जबकि ट्रेन का एक्चुअल रूट उस जगह है जहां पर 5 पर्सन लेटे हुए हैं। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है, आप क्या चूज करोगे, आप क्या ट्रेन को डाइवर्ट कर दोगे, क्या आप ट्रेन को डाइवर्ट करके 5 लोगों की जान बचा लोगे और यहां पे ट्रेन डाइवर्ट करने से एक पर्सन की जो जान चली जाएगी, क्या ये सही है, आप कौन सा निर्णय लोगे, आप एक पर्सन कि डेथ सुनिश्चित करना चाहोगे या फिर 5 पर्सन की डेथ सुनिश्चित करना चाहोगे। देखो आप कुछ भी करना चाहो लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म एक्चुअल में यही बोलता है कि एक पर्सन को मार दो 5 लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि इससे मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर्स इंश्योर होगा। तो पहले आप इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप बताओगे कि ना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के कंटेक्स्ट में इंडियन कंटेक्स्ट में भी यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल का खासा इस्तेमाल किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टैक्सेशन सिस्टम, अभी हमने टैक्स से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किया, हमारे देश में सिर्फ 4.1% के आसपास लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इतने लोगों को तो अच्छा लगता नहीं 4% लोगों को, उनको तो यूं लगता है कि गवर्नमेंट हमसे क्यों टैक्स लेती है, लेकिन बाकी 96% लोगों को अच्छा लगता है जो टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि 4% लोगों से टैक्स लेके सरकार 96% लोगों के लिए खर्च करती है। तो इस प्रकार से यहां पे यूटिलिटेरियनिज्म रूल लागू होता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर्स, 96% लोगों की हैप्पीनेस इंश्योर हो रही है लेकिन 4% जो लोग हैं वो हैप्पी नहीं हैं। इवन आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, काफ़ी बार देखो बड़े बड़े डैम इस्टेब्लिश किए जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो डैम के आसपास की जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत की जाती है, ट्राइबल लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस होते हैं, काफ़ी विरोध भी होता है, फिर भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेके आके जाती है, क्यों, क्योंकि फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है बड़े स्तर पर। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश होगा तो बिजली पैदा होगी, बहुत से लोगों के घरों में उजाला होगा, और काफ़ी बार ऐसा होता है डैम का इस्तेमाल किया जाता है हज़ारों किसानों को इरिगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, तो ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट देखती है, ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ में है। इवन एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन में कोलेटरल डैमेज होता है, कुछ जवान हमारी आर्म्ड फोर्सेज के भी शहीद होते हैं, लेकिन बड़ा फायदा देखा जाता है नक्सलाइट्स को खत्म करने में, कितना फायदा है, कितने लोगों को डेवलपमेंट के फ्रूट्स हासिल हो सकेंगे अगर एंटी नक्सलाइट्स ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो।